हेलो प्रिटी गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो देन वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सिंदूरी, आई क्रिएट कंटेंट रिलेटिंग टू ब्यूटी, मेकअप एंड फैशन। तो आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, दैट इज मेबेलिन सुपरस्टे इंक क्रेयॉन, आई होप आपको नाम दिख रहा हो, वर्सेस दिस वन दैट इज इनसाइट मेगा लास्ट क्रेयॉन लिपस्टिक। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में आज कंपैरिजन करने वाली हूँ, स्वॉचेस भी शेयर करने वाली हूँ और आपको एंड में बताऊंगी कि कौन सा खरीदना चाहिए आपको और कौन सा वर्थ बाइंग है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और उसके एग्जैक्ट बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये है मेबेलिन सुपरस्टे इंक क्रेयॉन का पैकेजिंग, कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ये जो ट्यूब है लिप क्रेयॉन का वो मैच करता है एग्जैक्टली जो शेड है उससे, लाइक एग्जैक्टली मैच कर, परफेक्टली मैच करता है ये जो शेड है पैकेजिंग से। और जो इसका बेसिक पैकेजिंग है वो ऐसे ही था, ना इसमें कोई डब्बा मिला, आई मीन टू से कोई कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं मिला, ये ऐसे ही मिला था, बस एक प्लास्टिक रैप था। तो वो प्लास्टिक ओपन करके आप यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली इसको। और इस पे ये वाइट लेबल चिपकाया हुआ है जिस पर बेसिक डिटेल्स दिए गए हुए हैं प्रोडक्ट के। आई डोंट नो इफ विल बी एबल टू लुक एट द नेम और नॉट। तो यहाँ पर मेबेलिन सुपरस्टे इंक क्रेयॉन करके लिखा हुआ है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है वो लिखा हुआ है एंड वेयर इट हैज बीन मेड दैट्स मेंशन, दैट्स इट। और कुछ भी मेंशन नहीं है इस पे, लाइक शेड का नाम तक मेंशन नहीं है। आई डोंट नो, मैंने तो लाइक जब खरीदा था तो मुझे याद हो गया नाम, बिकॉज मुझे ये शेड काफ़ी टाइम से चाहिए था इसलिए मुझे याद है, बट अदरवाइज नथिंग इज मेंशन ऑन दिस। तो मेरा जो शेड है मेबेलिन के लिप क्रेयॉन में वो है 50 ओन द एम्पायर एंड यही अभी लगा हुआ है मेरे लिप्स पर भी। अब बात करते हैं इनसाइड लिप क्रेयॉन के पैकेजिंग की। तो ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, लाइक काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। और इनसाइड मेगा लास्ट क्रेयॉन लिपस्टिक करके लिखा हुआ है इस पर और आप देख सकते हो ये रेड एंड सिल्वर कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है, ग्लॉसी वाला या शाइनी वाला। और इस क्रेयॉन लिपस्टिक के कार्डबोर्ड बॉक्स पर सारे ही डिटेल्स मेंशन है, लाइक हाउ टू यूज, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स एंड लाइक एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। और शेड का नाम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा हो, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा शाइनी है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। परफेक्टली मेंशन है एंड देन व्हेन वी ओपन इट, यहाँ पर रहा ये जो क्रेयॉन है वो क्रेयॉन लिपस्टिक है वो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरा वाइट कलर का पैकेजिंग है एंड यहाँ पर सिल्वर लेटर्स में इनसाइड करके दिया हुआ है। और ये रेड कलर का शाइनी वाला लाइक लेबल है और इस पे भी सारे डिटेल्स मेंशन है, बेसिक डिटेल्स। सो यहाँ पर नाम मेंशन है दैट इज इनसाइड मेगा लास्ट क्रेयॉन लिपस्टिक एंड आई होप कि ये आपको नाम परफेक्टली दिख रहा हो, बिकॉज ये वाइट में है शाइनी के ऊपर, तो आई होप आपको दिख रहा हो। और उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल्स है जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हो गया एंड कितना वेट है इसका, वो सब मेंशन्ड है विच इज़ रियली गुड। और शेड का नाम मेंशन्ड है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर शेड का नाम मेंशन्ड है। एंड जब हम इसको ओपन करें तो दिस इज़ द लाइक शेड, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो काफ़ी अच्छा है इसका भी पैकेजिंग। ये इनसाइड का क्रेयॉन लिपस्टिक है, इसमें जो शेड है वो है 08 डर्टी मार्टिनी, द प्रिटी प्रिटी रेड शेड, इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल शेड। तो ये जो मेबेलिन का सुपरस्टे इंक क्रेयॉन है इसका प्राइस है ₹599 फॉर 1.2 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी। एंड जो ये इनसाइट का लिप क्रेयॉन है या क्रेयॉन लिपस्टिक है इसका प्राइस है ₹220 फॉर 1.3 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी। और इन दोनों का ही शेल्फ लाइफ कॉमन है, इट्स 3 ईयर्स, तो इन दोनों का शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स का है। तो अब मैं आपको इसका हैंड वॉश दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने मेबेलिन का सुपरस्टे इंक क्रेयॉन लिया है, इसका मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ। सो दिस इज द स्वॉच, वन स्वाइप एप्लीकेशन है, एकदम ओपेक कवरेज है, प्रॉपर लाइक डार्क शेड है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये इंडियन स्किन टोन पे स्पेशली। आई विल बी स्वॉचिंग इट,
एंड यू कैन लुक एट इट. दिस इज ऑल्सो लाइक वन स्ट्रोक एप्लीकेशन और ये भी एकदम लाइक ओपेक कवरेज है. इनफैक्ट मुझे तो मेबिलीन से भी ज़्यादा डार्क एंड बोल्ड एंड पिगमेंटेड लग रहा है ये शेड. ये शेड भी इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है. इट्स परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन्स. तो यहाँ पर मैं 2 मिनट रुक चुकी हूँ, सो आई विल बी जस्ट ट्राइंग द स्मज प्रूफ टेस्ट. सबसे पहले मैं ये मेबिलीन का करूँ. काफ़ी टाइम हो गया है एंड आप देख सकते हो थोड़ा बहुत स्मज होता है. नाउ लेट्स ट्राई दिस वन. मैंने दूसरा फिंगर यूज़ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो ये एक बिल्कुल स्मज नहीं हुआ है. तो ये मेबिलीन का थोड़ा बहुत स्मज हुआ है बट ये इनसाइड का बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है. तो ये जो मेबिलीन का लिप क्रेयॉन है, जब आप ये लगाते हो तो एकदम स्मूथ है एप्लीकेशन और ये लगाने के थोड़ी देर बाद लाइक इट्स अ सॉफ्ट मैट फिनिश देता है आपके लिप्स को. ऐसा नहीं है कि एकदम मैट मैट लिपस्टिक है, लाइक इट्स नॉट काइंड ऑफ लिक्विड लिपस्टिक टेक्सचर. तो बहुत ही अच्छा है. अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राइंग काइंड ऑफ है तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. या इनसाइड का क्रेयॉन लिपस्टिक है वो उनके लिए अच्छा है जिनको लिक्विड लिपस्टिक पसंद है बट दे डोंट वॉन्ट टू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक बिकॉज इट्स वेरी वेरी ड्राइंग. तो ये ड्राइंग है थोड़ा, तो अगर आपको या आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको थोड़ा प्रेप करना पड़ेगा अपने लिप्स को. आपको लिप बाम लगा के ही ये यूज़ करना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा. और इसका भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है. तो राइट नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वैसे तो मैटर नहीं करता है यूजुअली बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ. सो दिस मेबिलिन का जो प्रोडक्ट है या ये जो मेबिलिन का लिप क्रेयॉन है, इट्स मेड इन चाइना वर्सेस दिस इनसाइट वाला जो क्रेयॉन लिपस्टिक है, इट इज़ मेड इन इंडिया. तो वी मस्ट प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बिकॉज इंडियन ब्रांड्स भी आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे. अब बात करते हैं शेड रेंज के बारे में या शेड्स के बारे में. जो ये मेबिलीन का लिप क्रेयॉन है इसमें लाइक मैंने जो नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि इसमें पर्पल्स वॉयलेट्स शेड्स लाइक बिल्कुल नहीं है. आई डोंट नो वाई राइट नाउ, अभी तक क्यों नहीं आए हैं वो शेड्स, वाई दे आरंट अवेलेबल टिल नाउ. तो मैं चाहूँगी कि वो शेड्स भी आ जाए. दे शुड बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर अस टू ट्राई इट. और ये जो इनसाइड का लिप क्रेयॉन है, लाइक दे आर हैविंग सो मैनी अमेजिंग शेड्स, लाइक न्यूड्स है, पिंक्स है, रेड्स है, वॉयलेट्स है, पर्पल्स है, मॉव्स है, हर काइंड ऑफ शेड, ब्राउन्स है, हर काइंड ऑफ शेड है, हर टाइप का शेड है फॉर इंडियन स्किन टोन्स स्पेशली. न्यूड्स थोड़े लाइट भी है, थोड़े डार्क भी है. सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन विच इज़ टोटली अमेजिंग. आई रियली लव इट. और अब बात करते हैं शेड्स के बारे में. तो ये जो मेबिलीन का लिप क्रेयॉन है इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 शेड्स अवेलेबल. आई वॉन्ट मेबिलीन टू पुट और एड ऑन मोर शेड्स बिकॉज इट्स अमेजिंग फार्मूला. आई रियली लाइक द फार्मूला. और जो ये इनसाइड का क्रेयॉन लिपस्टिक है इसमें 24 शेड्स अवेलेबल है राइट नाउ. तो जितना मुझे आइडिया है मेबिलीन के ब्रांड के बारे में या ये मेबिलीन के लिप क्रेयॉन के बारे में, उस हिसाब से इसमें लाइक पैराबेंस है एंड इट्स नॉट क्रुएल्टी फ्री काइंड ऑफ प्रोडक्ट. लाइक दे आर दीज प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स राइट नाउ ऑल्सो एज मच एज आई नो. अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए दैट आई एम रॉन्ग. और ये जो इनसाइड का क्रेयॉन लिपस्टिक है, इट इज़ 100% वीगन, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट. तो लाइक ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज़ बेटर देन दैट आई फील ऑन दिस पार्ट एटलीस्ट. तो अब बात करते हैं स्टेइंग पावर की. तो ये जो मेबिलीन का लिप क्रेयॉन है ये आपके लिप्स पर 3 से 4 घंटे रहेगा अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो. एंड इफ़ यू आर नॉट ईटिंग और हैविंग एनी फूड और ड्रिंकिंग एनीथिंग देन ये आपके लिप्स पे 5 से 6 घंटे आराम से रहेगा. और जो ये इनसाइड का क्रेयॉन लिपस्टिक है इसका जो स्टेइंग पावर है वो है 5 से 6 घंटे अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो. और अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, कुछ भी नहीं पी रहे हो, देन इट्स गोइंग टू स्टे ऑन योर लिप्स फॉर 7 to 8 hours एटलीस्ट. सो चलिए अब डेमो देख लेते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट. We'll be right back.
तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की, और पॉइंट्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे विच इज वर्थ बाइंग। तो पैकेजिंग वाइज आई फील इनसाइड का पैकेजिंग काफी अच्छा है, बिकॉज इस पे सारे डिटेल्स मेंशनड है, इस पर शेड का नाम तक मेंशन नहीं है, लाइक आई डोंट नो द रीजन व्हाई। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गिव फॉर पैकेजिंग दिस वन पॉइंट, इनसाइड को मैं एक पॉइंट दूंगी। और प्राइस वाइज ऑब्वियसली इनसाइड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जस्ट फॉर 220 rupees फॉर 1.3 grams ऑफ प्रोडक्ट, लाइक क्वान्टिटी ऑलमोस्ट सेम है बट प्राइस में फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्राइस वाइज भी मैं इनसाइड को दूंगी। शेल्फ लाइफ दोनों का एक ही जैसा है, तो दोनों को एक एक पॉइंट्स। और स्मज प्रूफ की बात की जाए तो इनसाइड का ही बिल्कुल स्मज नहीं होता है, तो आई विल गिव इनसाइड को और एक पॉइंट। एंड ऑब्वियसली इनसाइड का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, तो इनसाइड को एक पॉइंट। टेक्सचर दोनों का ही बहुत अच्छा है, दोनों का ही सॉफ्ट है टेक्सचर, वन स्वाइप एप्लीकेशन है और ओपेक कवरेज है, तो दोनों को ही मैं एक एक पॉइंट देना चाहूंगी। तो अब अगर बात की जाए शेड रेंज की, तो ऑब्वियसली इनसाइट में ज्यादा शेड्स है, तो ऑब्वियसली 6 points टू दिस एंड नो पॉइंट्स टू मेबेलिन। जाए वेराइटी ऑफ शेड्स की बात की जाए, तो ऑब्वियसली 24 shades है इनसाइट में, तो इनसाइट को 7 points मिलता है। देन अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, तो साइट का लाइक दे आर पैराबेन फ्री, 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री ऑल्सो, तो और एक पॉइंट जाएगा इनसाइट। देन अगर स्टेइंग पावर की बात की जाए, तो इनसाइट का ज़्यादा है स्टेइंग पावर बट मेबेलिन का भी कम नहीं है, तो मैं दोनों पॉइंट्स दूंगी, एक एक पॉइंट दूंगी दोनों को। तो अब बात करते हैं फिनिश की, लगाने के बाद लिप्स पर जो फिनिश होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इनसाइट का है वो लाइक कम्प्लीटली मैट फिनिश है, और जो मेबेलिन का है वो थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ या सॉफ्ट मैट फिनिश देता है, तो मैं दोनों को ही एक एक पॉइंट दूंगी। और अब बात करते हैं ट्रांसफर प्रूफ की, तो मेबेलिन का जो लिप क्रेयन है वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होता है, तो मैं मेबेलिन को भी एक पॉइंट दूंगी, और जो इनसाइट का है वो कम्प्लीटली मैट है तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसको भी एक पॉइंट देना चाहूंगी। सो इट्स 4 vs 11, मेबेलिन को 4 points मिलते हैं एंड इनसाइट को 11 points मिलते हैं। ऑब्वियसली दोनों ही लाइक क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके मामले में, लाइक दे आर रियली वेरी गुड इन पिगमेंटेशन, ऑल लाइक ऑल द थिंग्स आर रियली गुड इन बोथ ऑफ देम। बट अगर हम डीपली डिप करें एंड वी लुक इन टू द पॉइंट इवन मोर डीपली, देन इनसाइट का ज़्यादा बेटर है मेबेलिन से। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे या पूछे तो मैं इनसाइट को ही रेकमेंड करूंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आई होप कि आप अपना डिसीजन बना पाए ये वीडियो देखने के बाद कि कौन सा आपको क्रेयॉन परचेज करना चाहिए, विच वन इज बेटर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल लगा है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडियाज, ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो फॉलो मी ओवर देयर, एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल, बाय बाय।